हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मध्य युग में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। शायद यही वजह रही कि पुराने समय में भारत हमेशा ही विदेशियों के निशाने पर रहा। देश के उत्तर पश्चिमी मार्गों से कई विदेशी आक्रमणकारियों ने यहाँ कई हमले किए, जिनमें कई ऐसे शासकों का नाम आता है जो बहुत ही क्रूर शासक थे। इसमें सबसे पहला नाम आता है मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम, जिसका जन्म सऊदी अरब में हुआ था, भारत के सबसे क्रूर शासक के लिस्ट में इसका नाम आता है। इसने सिंध पर आक्रमण किया था और विजय हासिल की। सिंध के तत्कालीन दीवान की बेटी पर इसका दिल आ गया था और यह उसे अपनी बेगम बनाना चाहता था, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो कासिम ने उसका सिर कलम करवा दिया था। दूसरा नाम आता है महमूद गजनवी का, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। माना जाता है इसने अपने आक्रमण के समय करीबन 50,000 हिंदुओं का कत्ल करा दिया था। और तीसरा नाम आता है चंगेज़ खान का। चंगेज़ खान एक मंगोल शासक था। चंगेज़ खान अपनी संगठन शक्ति, बर्बरता और साम्राज्य विस्तार के लिए बहुत कुख्यात रहा था। उसके बाद नाम आता है तैमूरलंग का। तैमूरलंग भी चंगेज़ खान के जैसा ही क्रूर शासक था। कहा जाता है इसने दिल्ली पर आक्रमण करके तुगलक साम्राज्य का अंत कर दिया। उस वक्त तैमूर ने दिल्ली को कसाई खाना बना दिया था। तैमूर के जाने के बाद दिल्ली मर्दों का शहर बनकर रह गई थी। इसके अलावा इतिहास में और भी कई क्रूर शासकों का जिक्र मिलता है। तो कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइएगा।